दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे, जो आपने थंबनेल देख लिया होगा जी, उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि 100% जॉब मिल रही है जीपी रेटिंग फ्रेशर वालों के लिए, ठीक है, और फ्री में प्लेसमेंट मिल रही है। क्या ये पॉसिबल है, फ्री में प्लेसमेंट मिल पा रही है? तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूं और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सेलिंग ब्लॉग देते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लड़कों को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, वहाँ पर मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मेरे पास शिपिंग कंपनी फ़ोन कर रही है और बोल रही है कि आप जीपी रेटिंग में एडमिशन ले लीजिए और जीपी रेटिंग में एडमिशन लेने के बाद मैं आपको 100% प्लेसमेंट दिला दूंगा, चार्ज मेरा 2 लाख या 4 लाख रुपये मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो ऑथेंटिक दो चीज़ मेरे पास आई है, एक प्लेसमेंट से रिगार्डिंग आई है और एक एडमिशन से रिगार्डिंग आई है। तो पहले मैं प्लेसमेंट से रिगार्डिंग छोड़कर मैं आपको पहले एडमिशन से रिगार्डिंग बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पास शिपिंग कंपनी फ़ोन कर रही है, TMC कौन कौन शिपिंग कंपनी का नाम मेरे को बता रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसे शिपिंग कंपनी का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कंपनी बोल रही है कि मैं आपको प्लेसमेंट दे दूंगा, आपको मर्चेंट नेवी का कोर्स करना पड़ेगा, और वो अपना चार्ज 3.5 लाख रुपये मांग रहे हैं, किसी ने मेरे को 4.5 लाख बोला है, इंक्लूडिंग जीपी रेटिंग फी और प्लस आपको प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो मैं आपको बोलता हूँ, फर्स्ट बात ये कि अगर आपके पास शिपिंग कंपनी फ़ोन कर रही है, ठीक है, आप उसके फ़ोन को रिसीव कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको जो चार्ज बोल रहे हैं वो चार्ज आप बाद में पे कीजिए, पहले बोलिए कि आप जीपी रेटिंग का कोर्स मुझे किस इंस्टीट्यूट से कराएंगे। जैसे ही आप ये बात बोलिएगा, वो आपको फलाना ढेकाना इंस्टीट्यूट का नाम बोलेंगे, बोलिएगा कि मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट से कराइए, डजंट मैटर, बस मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो DG अप्रूव्ड होना चाहिए, DG शिपिंग अफिलेटेड मेरा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तब अगर वो बोलते हैं कि हाँ, उससे बाद उसका जीपी रेटिंग का सिर्फ फी आप पेमेंट कीजिए, जो जीपी रेटिंग का अप्रोक्सीमेटली फी 2 लाख रुपए, 2 लाख से ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आपका जीपी रेटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब वो आपको सीप पर चढ़ाने वाली है, तब जाकर फुल पेमेंट कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हैं 4 लाख रुपये या 3.5 लाख रुपये, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी फ़ी DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट की फ़ी 1,80,000 और 2 लाख के बीच में, फिर भी आपका 1.5 लाख रुपये माटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात सोच समझ लीजिएगा कि किसी भी शिपिंग कंपनी से आपका फ़ोन आया, डायरेक्ट वो बोलेगा कि हमारे शिपिंग कंपनी है, मैं आपको डायरेक्ट अपने शिपिंग कंपनी में प्लेसमेंट कराऊंगा, आप बोलिएगा कि हाँ ठीक है, आप प्लेसमेंट कराओगे, लेकिन मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करूँगा, वो DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और जिस इंस्टीट्यूट का नाम बोले डायरेक्ट वहाँ पर फ़ोन करके बोलिए कि एक कंपनी की तरफ से मेरे को कॉल आया है, क्या ये कंपनी आपसे अफिलेटेड है कि नहीं, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात प्लेसमेंट की रही, जीपी रेटिंग फ्रेशर का प्लेसमेंट 100% हो रहा है, वो भी फ्री में, ये क्या बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो लड़के फ्रेशर अभी जीपी रेटिंग करके निकले हैं और लॉकडाउन की वजह से अपने घर में बैठे हुए हैं, उनके पास शिपिंग कंपनी के पास फ़ोन आ रहा है कि हमारी ये शिपिंग कंपनी है, हमारी ये शिपिंग कंपनी है, हम आपको प्लेसमेंट करा देंगे, टैंकर दिला देंगे, बल्क कैरियर दिला देंगे, लेकिन प्लेसमेंट का चार्ज लेंगे। अरे यार, ये कैसे हो गया? तुम्हारी शिपिंग कंपनी में अगर रियल में वैकेंसी आई हुई है तो तुम मेरे को फ्री में चढ़ाओ, हाँ फ्लाइट का टिकट ले लो या वगैरह वगैरह कुछ ही माइग्रेंट का खर्चा ले लो, अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको टैंकर दिलाऊंगा 10,000 GRT से ऊपर, तो 3 लाख 4.5 लाख रुपये लूँगा, ये कैसी वैकेंसी हो गई? तो दोस्तों, इस सब चीज़ के फ्रॉड में आप ना पड़ें। अगर आपके पास किसी भी शिपिंग कंपनी का कॉल आ रहा है तो आप बोलिए कि ठीक है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं आपको पैसा क्यों पेमेंट करूँ? अगर आपका फ्लाइट का टिकट है 20,000 या 30,000 रुपये, वो मैं पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे टैंकर दिलाएंगे अपने कंपनी में, आपकी कंपनी में वैकेंसी आई हुई है तो मेरे को फ्री में लो, आप मेरे से पैसा चार्ज क्यों कर रहे हो? मैं भी तो वहाँ पर जाके आपको काम करूँगा, आपकी कंपनी का पेमेंट को, आपके कंपनी के डेवलपमेंट को इम्प्रूव्ड करूँगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे टाइप का अगर कॉल आया तो उन फ्रॉड से आप लोग बचिए, क्योंकि इस सिचुएशन में इतने कॉल आ रहे हैं कि शिपिंग कंपनी के तरफ से कि मेरी वैकेंसी आई हुई है, आप आओ मेरे ऑफिस में, मैं आपको प्लेसमेंट दिलाता हूँ अलग अलग GRT का। आप उनसे पूछिएगा प्लेसमेंट चार्ज कितना है, तो बोलेंगे वो GRT के ऊपर, सीप के ऊपर डिपेंड करती है। आप वहाँ पर जाएंगे, आपका माइंड चक्कर घुमाएगा और आपसे पैसा ऐंठ लेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस फ्री जहाँ आपको फ्री दिखाई दे उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ठीक है। फ्री जहाँ दिखाई दे, तो समझिए कोई भी काम मेहनत से किया जाता है। अगर आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है तो उसके पीछे कोई ऑथेंटिक बात जरूर होती है, ठीक है, उसके पीछे कोई
इनकेस राज छुपा होता है तो उसको जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, उसी के बाद आप क्या कीजिए ज्वाइन कीजिए। तो अगर इस टाइप के कॉल आए तो प्लीज़ उनसे बचे रहिए, क्योंकि आपका पैसा, आपके माँ बाप का पैसा बहुत मेहनत से आता है, ठीक है। तो ये दो ठो वीडियो मैंने आपको बता दिया, फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़े। तो यही एक वीडियो थी, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे से अगर कोई गलती हो जाएगी तो कॉमेंट में करें, मैं कॉमेंट में सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।